सब्सक्राइब कीजिए स्टिच विद स्नेहा चैनल, यहाँ पे आपको मिलेगी फैशन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आसानी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो बताऊंगी। इसके लिए रिक्वायर्ड फैब्रिक मैंने लिया है प्रिंटेड फैब्रिक 3 मीटर लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फैब्रिक को ओपन कर लिया है और फैब्रिक अभी डबल फोल्ड में है। ये जो है फैब्रिक की लंबाई है, लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। अब हम इसे और एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड में फैब्रिक हो जाएगा। देखिए ये जो है फैब्रिक की चौड़ाई है, तो इस साइड से हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। मेरी वाली साइड बंद वाली साइड है, सामने वाली ओपन साइड है। तो यहाँ पे लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पर मार्क कर लूंगी। शोल्डर है मेरी मेजरमेंट में 13 इंच, उसका हाफ पार्ट यहाँ पे लेना है। जो भी शोल्डर है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। वहीं से सीधे नीचे हमें और एक मार्क कर लेना है आमोल के लिए। तो आमोल में जो मेजरमेंट में है 7 इंचेस, और आमोल के लिए लाइन जो है सीधे ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच पर। यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। जो भी चेस्ट है आपकी उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। मेरी मेजरमेंट में चेस्ट है यहाँ पे 38 इंचेस, उसका फोर्थ पार्ट 9.5 इंचेस आ रहा है, उस पर मार्क कर लेंगे 9.5 इंचेस पर। अब यहीं से सीधे नीचे और एक मार्क करना है हमें 7.5 इंचेस पर वेस्ट लाइन के लिए। आपकी जो भी वेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी मेजरमेंट में वेस्ट है 34 इंचेस, उसका फोर्थ पार्ट 8.5 इंचेस आ रहा है, 8.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। और ये जो डॉट है हमें कनेक्ट कर लेने हैं। हमें इन स्टेप को शोल्डर के पार्ट के ऊपर रखना है और वहीं से सीधे नीचे हमें कुर्ती की टोटल लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे कुर्ती की लेंथ हम रखेंगे 45 इंचेस, तो 46 इंचेस पर हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे आमोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पर फ्रंट आमूल के लिए मार्किंग करेंगे और बैक आमूल के लिए यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और आमूल का शेप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हल्की सी गोलाई देनी है। ये हो गए आमूल का मार्किंग हमारा। यहीं से सीधे नीचे आगे हमें 2 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे कुर्ती में मार्जिन लेंगे हम 2 इंच की। और ये जो लाइन है ये डॉट कनेक्ट कर लेंगे और लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लेना है नेक का पार्ट। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पे रखेंगे 3 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। नेक डिप यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पे बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए फ्रंट नेक की शेप दे देंगे हम, हल्का सा राउंड शेप देते हुए। ये हो गया फ्रंट नेक। और बैक नेक की चौड़ाई भी हम 3 इंच ही रखेंगे। उसकी लेंथ जो है वो हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। बैक नेक हम वो भी हम राउंड ही रखेंगे, तो उसमें भी राउंड शेप ही देना है हमें बैक नेक में। अब हमें यहाँ पे टेप रखना है और नीचे बॉटम साइड में ये जो है क्रॉस में लाइन हमें मिलाते जाने हैं। क्रॉस में लाइन को एक्सटेंड करना है बॉटम साइड तक।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन जो है क्रॉस में एक्सटेंड कर दी है। अब हमें बॉटम साइड में हल्का सा राउंड शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने लाइन को एंड किया है, जहाँ पे लाइन हमारी एंड हुई है वहाँ पे, वहाँ से ऊपर हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप देते हुए कुर्ती की हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए इस पार्ट को राउंड शेप में कट करेंगे तो कहीं से कुर्ती के कोने नहीं निकल आएंगे। एज इट इज हमें ऐसे ही कटिंग कर लेनी है जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है फैब्रिक की। सबसे पहले बैक वाला आर्म होल, बैक नेक, उसके बाद फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक, बैक आर्म होल, शोल्डर जो है 1/2 इंच डाउन कर लेना है। देखिए यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग भी कर ली है। अब हम इसकी एज इट इज कटिंग कर लेंगे जैसे मार्किंग की है। अब दोनों पार्ट में से एक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये फ्रंट पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेना है और सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। एग्जैक्ट सेंटर लेना है, फैब्रिक कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेक का एग्जैक्टली सेंटर यहाँ पे हमें चाहिए। देखिए ऐसे पूरा पार्ट हमें कट कर लेना है बॉटम साइड तक। फ्रेंड्स यहाँ पे बचा हुआ फैब्रिक लिया है और इसे 4 फोल्ड में रखा है। मेरी सामने वाली साइड ओपन साइड है, मेरी वाली साइड बंद वाली साइड है। अब हमें इस ये जो ओपन वाला पार्ट है वहां से 3 इंच पर मार्क कर लेना है और ये जो ऊपर वाली साइड है वहां से लेना है हमें 1.5 इंच। अब ये जो है निशान हमें यहाँ पे मिला लेना है और स्लीव्स का शेप जो है दे देना है हमें। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे दिया है हमने। यहाँ से स्लीव्स की लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे 13 इंच लेंथ आ रही है। तो 13 इंच पर मार्क करके सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले बॉटम साइड में और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। बॉटम साइड में 6 इंच पर मार्क कर लेंगे फिटिंग के लिए और आगे 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे इसमें भी। अब हमें क्या करना है, इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। देखिए मार्जिन वाले देखिए यहाँ पे स्लीव्स की जो है मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे एज इट इज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुर्ती को फ्रंट पार्ट लिया है कुर्ती का यहाँ पे और सेंटर से हमने इसे ओपन कर लिया था। अब क्या किया है यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप कट कर लिए है सेंटर पार्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में जो हमने स्ट्रिप कट की है उसकी जो विड्थ है वो 3 इंचेस रखी है और राइट पार्ट में जो स्ट्रिप हमने कट की है उसकी जो विड्थ है लगभग 2 इंच यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे स्ट्रिप जो है मैंने उल्टी रखी है, ये सीधी वाली साइड है और ये उल्टी वाली साइड है। तो स्ट्रिप को उल्टा रख के हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। दोनों स्ट्रिप को सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों स्ट्रिप जो है सेंटर से अटैच कर लिए है और स्टिच कर लिया है हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाली स्ट्रिप है जो 3 इंच की है उसे अंदर की साइड से, देखिए सबसे पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसे 1 इंच बाहर की तरफ रख के फोल्ड कर लेना है। ये जो स्ट्रिप है बाहर की तरफ रहेगी हमारी। देखिए ऐसे फोल्ड कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद जो सिलाई वाला पार्ट है उसको अंदर डालते हुए ये स्ट्रिप हमें 1 इंच तक अंदर बाहर निकाल लेनी है ऐसे और स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये जो लेफ्ट वाली स्ट्रिप है उसे सिंपली ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करके ये जो स्ट्रिप है हमारी पूरी फोल्ड हो जाएगी अंदर की साइड से। ऐसे पूरा जो पार्ट है हमें स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों स्ट्रिप जो है हमने अटैच कर ली है। लेफ्ट वाली स्ट्रिप जो है 1 इंच बाहर ले ली है। अब हमें क्या करना है, राइट वाला पार्ट जो है लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर रखना है, अच्छे से सेट कर लेना है। कहीं पे भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेट कर लेना है और स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, हमें शोल्डर के पार्ट के ऊपर इंच टेप रखना है और वहीं से सीधे नीचे हमें 30 इंच पर मार्क कर लेना है। सेंटर की साइड से 30 इंच पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे और ये जो पार्ट है 30 इंच पर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट जो है ओपन रहेगा फ्रंट से हमारा,
तो वहाँ से स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक पार्ट रेडी करने के लिए यहाँ पे क्रॉस स्ट्रिप जो है कट कर ली है। स्ट्रिप को नेक के पार्ट के ऊपर रखेंगे, पूरे राउंड में स्टिच करते जाएंगे। उसके बाद अंदर के साइड स्ट्रिप जो है टर्न कर लेनी है और टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। ऐसे ही हमें दूसरा वाला जो पार्ट है वो रेडी कर लेना है, बैक वाला पार्ट। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स ले ली है, तो ये देखिए ये स्लीव्स है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स के बॉटम पार्ट में कपलेट्स जैसा बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और हमें ये जो स्ट्रिप कट कर लेनी है, तो स्लीव्स की जो लंबाई है बॉटम पार्ट है उससे 1 से 1.5 इंच ज्यादा कट कर लेनी, तो यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले इस स्ट्रिप को हम सेंटर से कट कर लेंगे, देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स को सीधी साइड रखना है, देखिए ऐसे स्लीव्स का सेंटर कर लेना है और सेंटर वाले पार्ट में ये जो स्ट्रिप है ऐसे उल्टी रख देनी है, देखिए ऐसे। दोनों साइड में स्ट्रिप जो है हमें उल्टी रख के स्टिच कर लेनी है। देखिए स्ट्रिप को सेंटर से ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, दोनों पार्ट में भी ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ही हम स्ट्रिप जो है इसमें अटैच करेंगे ऊपर की साइड से। स्लीव्स का ये जो बॉटम वाला पार्ट है, ये जो बॉटम पार्ट है उसे भी हमें डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुर्ती के शोल्डर जो है अटैच कर लिए है और दोनों स्लीव्स जो है यहाँ पे दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। बॉटम साइड जो है अटैच कर ली है। इस पार्ट के ऊपर हमें टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कुर्ती को सीधा ही रखेंगे, ओपन कर लेंगे नेक पार्ट से ऐसे। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स ले लेनी है। स्लीव्स जो है हमें ऐसे रखनी है देखिए, और पूरे स्लीव आमहोल पार्ट में स्लीव्स जो है अटैच कर लेनी है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरी स्लीव्स हमें अटैच कर लेनी है। ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स जो है अटैच कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती में स्लीव्स जो है हमने अटैच कर ली है, दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। कुर्ती को उल्टा कर लिया है और साइड से मार्किंग कर ली है फिटिंग की। अब हमें कुर्ती की दोनों साइड से फिटिंग कर लेनी है, जितनी हमने मार्जिन रखी थी उसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स वाले पार्ट से लेके हमें बॉटम पार्ट तक इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है उसे सिंपली ऐसे अंदर की साइड डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है, देखिए ऐसे। ऐसे ही हमें पूरा जो बॉटम पार्ट है उसे रेडी कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेडी है ब्यूटीफुल डिजाइनर ए लाइन कुर्ती विद फ्रंट ओपन। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचती रहे।